शिल्पा शेट्टी को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। एक्टर शिल्पा के खिलाफ राजस्थान के चुरू थाने में SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी। आपको बता दें, साल 2013 में एक इंटरव्यू के समय शिल्पा ने वंचित वर्ग को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर राजस्थान में शिल्पा के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। अब इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से शिल्पा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी है। दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर ने डायरेक्टर अनिल शर्मा को कहा बकवास आदमी। नाना पाटेकर ने एक पॉडकास्ट के दौरान फिल्म वनवास के बारे में कई खुलासे किए और इसी के बीच उन्होंने वनवास फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा को बकवास कह डाला। नाना पाटेकर से जब पूछा गया कि हर कोई उनके साथ काम करने से क्यों डरता है, तो एक्टर ने जवाब दिया, अनिल शर्मा एक बकवास आदमी है। गदर हिट होने के बाद वो मुझे हर दिन बताता था कि ये कहानी है, ये वो कहानी है, लेकिन कभी सामने नहीं आया। बॉलीवुड में फैले कास्टिंग काउच पर मशहूर डायरेक्टर इम्तियाज अली ने चुप्पी तोड़ी है। इम्तियाज अली ने IFFI के इवेंट में कास्टिंग काउच पर कहा, मैं पिछले 15-20 सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। मैंने बहुत कुछ सुना है कास्टिंग काउच के बारे में। आप तो ये बात कह रहे हैं कि कोई लड़की आती है काम मांगने के लिए, उन्हें डर लगता है। रिलीज से पहले विवाद में फंसी अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 द रूल को बैन करने की मांग उठ रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा 2 द रूल को लेकर हरियाणा के हिसार में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। हिसार के एक गांव में फिल्म के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिल्म पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। सलमान खान ने शेयर किया एपिक फादर सन मूवमेंट, दिखाई पापा की पहली बाइक। सलमान खान ने अपने पिता सलीम खान के साथ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, पिताजी की पहली बाइक ट्राइम्फ टाइगर 100 1956। सलमान की इस पोस्ट पर फैंस कमेंट्स कर प्यार लुटा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी द साबरमती रिपोर्ट हुई टैक्स फ्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म देखने के बाद उसे टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। अभिषेक बच्चन की फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक पर अमिताभ बच्चन का आया रिएक्शन, बेटे अभिषेक बच्चन की करी तारीफ। दरअसल बिग बी ने बेटे अभिषेक बच्चन के एक फैन के पोस्ट, जो उनकी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक का था, उसे रीपोस्ट करते हुए लिखा, इस परफॉर्मेंस के लिए एक ही शब्द है, जादुई। मेरा प्यार आशीर्वाद और भी बहुत कुछ। मेरे बेटे बेटे होने से मेरा उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं, जिसमें वो गोल्डन व्हाइट सूट में नजर आ रही हैं। उनके फैंस को उनकी ये तस्वीर खूब पसंद आई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शाहिद कपूर ने दुल्हन संग गाने गंदी बात पर जमकर किया डांस। सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है ये धमाकेदार वीडियो। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच शादी में एक दूसरे से टकराए नयनतारा और धनुष। एक्टर धनुष और साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा के बीच इन दिनों काफी अनबन चल रही है, जिस वजह से दोनों तरफ से बयानबाजी भी जारी है। अब इस विवाद के बीच दोनों का एक शादी में आमना सामना हुआ, जिसमें दोनों ही एक्टर ने एक दूसरे को अपना एटीट्यूड दिखाया।